आधी रात को सर्च ऑपरेशन चला रही ये ग्रेटर नोएडा की पुलिस है, जो एनकाउंटर के बाद फरार बदमाश की तलाश में जुटी हुई है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि ग्रेटर नोएडा के दादरी थाना क्षेत्र में सुंदरी भाटी गैंग का हिस्ट्री शीटर बदमाश दीपक हापड़ अपने एक साथी के साथ आने वाला है। फिर क्या था, पुलिस ने जाल बिछाया और बाईपास रोड की ओर से आ रहे बाइक सवार बदमाशों को रोकने की कोशिश की, लेकिन बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी फायरिंग में एक हिस्ट्री शीटर बदमाश दीपक को गोली लग गई और वो घायल होकर गिर पड़ा, जबकि अंधेरे का फायदा उठाते हुए दीपक का साथी फरार हो गया। ये जारचा थाना क्षेत्र में नरौली गांव का रहने वाला एक बसनीक जो बदमाश था दीपक नाम का, दीपक हापड़, जिसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम था और इसके ऊपर करीबन 22 मुकदमों की जानकारी अभी तक हुई है और फिलहाल ये लूट में और 307 में वांटेड चल रहा था। और आज जैसे ही हमारी पुलिस पार्टी को ये सूचना थी इसकी मूवमेंट की, अपने एक साथी के साथ में जब ये मूव कर रहा था उसी दौरान जब रोकने का अरेस्ट करने का प्रयास किया गया गिरफ्तारी का, उसी दौरान जो बदमाश थे उनके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। उसी एक्सचेंज ऑफ फायर में जो दीपक हापड़ नाम का बदमाश है, इनामी बदमाश, वो घायल हुआ है। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने हिस्ट्री शीटर बदमाश के पास से पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद किया है, साथ ही एक मोटरसाइकिल भी जब्त किया गया है। फिलहाल पुलिस दीपक के साथी की तलाश में जगह जगह छापेमारी कर रही है ताकि उसे शिकंजे में लाया जा सके। दिल्ली तक के वीडियोस को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।